प्रिय, और खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। उमेश पाल हत्याकांड में जैसे ही माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम सामने आया, राजनीतिक गलियारों में एक नाम की और चर्चा होने लगी। ये नाम था कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। ये वीडियो 7 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो में चर्चा इस बात की थी कि कांग्रेस के वर्तमान सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर बैठे अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इतने नहीं, अतीक की मौत के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का एक और वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में तो इमरान ने अतीक की तारीफ में ऐसे कुछ कह दिया कि सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब शेयर करने लगे। वो वीडियो में कह रहे हैं कि मैं उन्हें बड़ा भाई कहूँ या क्या, वो मेरे बाप की हैसियत के हैं, जनाब अतीक अहमद जिनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। बीजेपी ने कर्नाटक में इमरान के प्रचार करने को लेकर कांग्रेस को निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों और देशद्रोहियों के साथ है। कर्नाटक की उडुपी चिकमंगलूर लोकसभा सीट से सांसद शोभा करंदलाजे ने कहा कि इमरान गैंगस्टर अतीक और अशरफ को गुरु मानते थे, दोस्त और भाई बोलते थे। अतीक के साथ इमरान प्रतापगढ़ी का रिश्ता था। इमरान के शायरी कार्यक्रम में अतीक अहमद आता था और दोनों शायरी गाते थे। ऐसे इमरान को कर्नाटक में कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर बनाया है। कांग्रेस का हाथ अपराधियों और देश द्रोहियों के साथ है। मुसलमान सिर झुकाते नहीं है, सिर काटते हैं। ऐसे भाषण किया था, इसीलिए हम मांग करते हैं वो इमरान प्रतापगढ़िया कौन है, इसके साथ आतिक अहमद का रिश्ता क्या है, इसको कांग्रेस बताना चाहिए एंड कांग्रेस शुड कम आउट विद ट्रूथ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है इमरान प्रतापगढ़ी, जिनके अतीक से कनेक्शन पर सियासत तेज हो गई है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में साल 1987 को जन्मे इमरान का नाम मोहम्मद इमरान खान है। इमरान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए किया। यूनिवर्सिटी के दिनों से इमरान हिंदी कवि सम्मेलनों में भाग लेते रहे। साल 2008 तक इमरान ने मुशायरों में भी अपनी नज्मों को परोसा। इसी दौरान उनकी एक नज्मों मदरसा खासी चर्चा में रही। इसके अलावा उन्होंने फलिस्तीन, नजीब और उमर जैसी 100 से ज्यादा नज्मों को लिखा और मुशायरों में इन्हें गाया। वक्त बदलने के साथ साथ इमरान पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही इमरान के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। उन्होंने अपनी शायरी में सरकार की आलोचनाओं को उतारना शुरू कर दिया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इमरान ने अपने राजनीतिक पत्ते खोल दिए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साल 2019 लोकसभा चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी ने मुरादाबाद से चुनावी ताल भी ठोकी, लेकिन बीजेपी और सपा की लड़ाई में अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। लेकिन इस चुनाव में मिली हार ने पार्टी में उनका कद जरूर बढ़ा दिया। जून 2021 को कांग्रेस पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन बना दिया। इसके ठीक अगले ही साल कांग्रेस ने इमरान को महाराष्ट्र से राज्यसभा के नुमाइंदे के रूप में संसद भेज दिया। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल के प्रयागराज में सरेआम हत्या में अतीक अहमद और उसके गुर्गों का नाम आने के बाद से ही इमरान का नाम भी सुर्खियों में आ गया। इसकी वजह ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर आज भी शेयर किए जा रहे हैं। अब तो कर्नाटक चुनाव में भी इमरान के इन वीडियो की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। देखना होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस के इस स्टार कैंपेनर के वीडियो से सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान। टीम न्यूज़ नेशन।